वेलकम स्टूडेंट्स, इंटीग्रल कैलकुलस की अगली क्लास में आपका सबका एक बार फिर से स्वागत है। हमारे आज की क्लास है एरिया ऑफ कर्व्स विच आर गिवन इन पैरामेट्रिक फॉर्म के ऊपर। मतलब इस टॉपिक में हम उन कर्व्स के एरिया को फाइंड करना सीखेंगे जिनकी इक्वेशन हमें पैरामेट्रिक फॉर्म में दी जाती है। पैरामेट्रिक फॉर्म बड़ी सिंपल, जब एक्स थर्ड वेरिएबल टी का फंक्शन हो जाता है, वाई भी थर्ड वेरिएबल टी का फंक्शन हो जाता है। अगर आप उन दोनों से टी को एलिमिनेट करो तो फिर एक्स वाई में ही कर्व की इक्वेशन आ जाती है। तो कुछ कर्व की इक्वेशन तो हम एक्स वाई में भी कन्वर्ट कर लेते हैं और कुछ की इक्वेशन को हम पैरामेट्रिक फॉर्म में ही पढ़ते हैं। तो काम आपका अभी भी वही है, आप एरिया कंप्यूट करने के लिए गिवन एरिया को स्ट्रिप्स में डिवाइड करेंगे, एक स्ट्रिप का एरिया एज्यूम करके कंप्यूट करके उसे इंटीग्रेट कर लेंगे, आपको टोटल एरिया मिल जाएगा। तो चलिए देखते हैं इसे करेंगे कैसे। फॉर एग्जाम्पल एस्ट्रॉइड की इक्वेशन है x equals to a cos cube t, y equals to a sin cube t. This curve is known as asteroid. इसका नाम है, जैसे पैराबोला सर्कल होते हैं ऐसे इसका नाम है asteroid. अगर आप इन दोनों से t को एलिमिनेट करो तो x to the power 2 by 3 plus y to the power 2 by 3 आपको दे देगा a to the power 2 by 3. और जैसा आपने कर्व ट्रेसिंग में सीखा है, इस कर्व की शेप ये बना करती है, ये चारों क्वाड्रेंट में सिमेट्रिकल होता है। तो इस एरिया को कंप्यूट करने के लिए, एरिया को निकालने के लिए, मैं सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट का एरिया निकालूंगा, कंप्यूट करेंगे और उसे फिर फोर टाइम्स कर लिया जाएगा। ऐसा करने पर हमें टोटल एरिया मिल जाएगा। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट के एरिया को मैंने स्ट्रिप्स में डिवाइड कर लिया, एक स्ट्रिप एज्यूम कर ली, ये पॉइंट जो कर्व के ऊपर लाई करेगा एक्स वाई एज्यूम किया, स्ट्रिप की लेंथ वाई विथ डेल्टा एक्स पहले की तरह। तो स्ट्रिप का एरिया क्या बनेगा, लेंथ इनटू विड्थ वाई डेल्टा एक्स। इसे इंटीग्रेट कर लिया, टोटल एरिया आ गया एक क्वाड्रेंट का, फर्स्ट क्वाड्रेंट का। हमें टोटल निकालना है तो फोर से मल्टीप्लाई कर लिया, लिमिट फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक्स वैरी करेगा जीरो से ए तक, क्योंकि वो पॉइंट ए जीरो होता है, ये जीरो ए होता है। अब पैरामेट्रिक फॉर्म में क्या फर्क पड़ेगा, पैरामेट्रिक फॉर्म में बस फर्क इतना पड़ेगा कि आप डीएक्स को कन्वर्ट कर लोगे डीएक्स अपॉन डीटी डीटी से। अब y की वैल्यू कर्व की इक्वेशन से a sin cube t dx by dt, इसे डिफरेंशिएट करके 3a cos square t cos t का माइनस sin t dt। लिमिट्स चेंज करेंगे, अभी लिमिट्स x की थी, अब लिमिट्स t की फॉर्म में ले आएंगे। कैसे, x को 0 पुट किया cos t 0 t 90, x को a पुट किया cos t 1 t 0, माइनस sin लिमिट चेंज कर ली, ये बन गया sin to the power 4 t cos square t। इस पे अप्लाई कर दिया वैल्यू फार्मूला, गामा 5 प्लस 1 गामा 4 प्लस 1 गामा 5 बाई 2 गामा 2 प्लस 1 गामा 3 बाई 2 अपॉन गामा 2 टाइम m प्लस n प्लस 2 बाई 2 आता है, 4 प्लस 2 प्लस 2 गामा 8 बाई 2 गामा 4 फैक्टोरियल 3 6 हो गया, 6 टू 12 12 कैंसिल, गामा 5 बाई 2 3 बाई 2 1 बाई 2 रूट पाई, गामा 3 बाई 2 1 बाई 2 रूट पाई, इट बिकम्स 3 बाई 8 पाई ए स्क्वायर। और सेम ऐसे ही अगर आपको यहां पे b दिया जाता तो फिर कर्व की इक्वेशन ये बनती है, t एलिमिनेट कर लेने पर x अपॉन a टू द पावर 2 बाय 3 प्लस y अपॉन b टू द पावर 2 बाय 3 इक्वल्स टू 1, इसे ab साइक्लॉइड भी कहा जाता है। तो अगर इस प्रॉब्लम के साथ डील कर रहे होते तो बस यहां पे b आ जाना था, b b b लास्ट में 3 बाय 2 पाई ab आ जाता, सेम ऐसे। चलिए आप वीडियो को पॉज करते हुए इसे नोट कर लीजिए, फिर हम अगली प्रॉब्लम की ओर चलते हैं। वेल, अब अगली प्रॉब्लम लेते हैं हम साइक्लॉइड से। x इज इक्वल्स टू a टाइम थीटा माइनस साइन थीटा एंड y इक्वल्स टू a टाइम 1 माइनस कॉस थीटा। साइक्लॉइड तो आपने पढ़ा होगा, कर्व ट्रेसिंग टॉपिक के अंदर चार फॉर्म में पढ़ा जाता है, चार टाइप की इसकी इक्वेशन दी जाती है। ये जो इक्वेशन है इसकी शेप ऐसे बनती है, थीटा वैरी करता है जीरो से टू पाई तक, यहां थीटा जीरो होगा यहां थीटा टू पाई रहेगा। इसकी ट्रेसिंग के ऊपर मैं वीडियोस बना के डालूंगा, आप उसमें स्टेप कर लेना। वेल, अगर आप थीटा को जीरो पुट करते हैं तो एक्स जीरो आता है, वाई भी जीरो आता है, ये पॉइंट हो जाता है ऑरिजिन। थीटा बढ़ता रहता है, कर्व बढ़ता रहता है, जब थीटा 2 पाई होता है
तो cos 2 by 1 बट माइनस 1 0 y फिर से 0 हो जाता है, x हो जाता है 2a pi, 2a pi 0। तो एरिया कंप्यूट करना है हमें कर्व के और x एक्सिस के बीच का, जैसे हमने वही स्ट्रिप्स में डिवाइड कर लिया, जो पॉइंट कर्व के ऊपर लाई करेगा इसे एज्यूम किया एक्स वाई, पी क्यू स्ट्रिप मानी, डेल्टा एक्स विड्थ होगी, लेंथ होगी वाई, तो एरिया ऑफ स्ट्रिप क्या हो गया, लेंथ इनटू विड्थ बाय डेल्टा एक्स, हेंस रिक्वायर्ड एरिया, यहां सिमेट्री का यूज नहीं करेंगे, पूरा ही निकाल लेंगे इसे, क्या हो जाएगा इसका इंटीग्रेशन वाई डी एक्स, एक्स कितना मूव करेगा 0 टू 2 ए पाई। वेल अब वाई इन टर्म्स ऑफ एक्स नहीं है आपके पास, वाई इन टर्म्स ऑफ थीटा है, एक्स इन टर्म्स ऑफ थीटा है, और ऐसा भी नहीं है यहां पे कि आप थीटा को एलिमिनेट कर पाए एक्स और वाई में कर्व की इक्वेशन ले आए, तो इसे इंटीग्रेट करने के लिए हम वही ट्रिक यूज करेंगे, dx को लिख लेंगे dx by d थीटा, d थीटा अब लिमिट्स थीटा की आ जाएंगी, जब x 0 है तो थीटा 0 है, जब x 2 a पाई है तो थीटा 2 पाई है, 0 टू 2 पाई, y इन टर्म्स ऑफ थीटा a टाइम 1 माइनस cos थीटा, dx upon d थीटा a टाइम 1 माइनस cos थीटा d थीटा, a स्क्वायर बाहर 0 टू 2 पाई, 1 माइनस cos थीटा 2 sin स्क्वायर थीटा बाय 2, 2 sin स्क्वायर थीटा बाय 2, 4 sin स्क्वायर थीटा बाय 2 d थीटा, थीटा बाय 2 को फाई डाल दीजिए d थीटा आ जाएगा 2 d फाई, d थीटा 2 d फाई, 4 पहले से था 8 a स्क्वायर, 4 sin स्क्वायर sin स्क्वायर sin की पावर 4 बनेगा ना, sin टू द पावर 4 5 d फाई, लिमिट्स चेंज होंगी, थीटा 0 पुट किया फाई 0, थीटा 2 पाई डाला 5 पाई। अब आप अगर यहां पे डेफिनेट इंटीग्रल की प्रॉपर्टी यूज करें तो साइन पाई माइनस पाई, साइन पाई माइनस पाई साइन पाई रहता है, चेंज नहीं हो रहा है, तो आप बाहर की मल्टीप्लाई लिमिट में 2 से डिवाइड कर सकते हैं, तो 16 ए स्क्वायर 0 टू पाई बाई 2 साइन टू द पावर 4 5, साथ में कॉस टू द पावर 0 5 लिख सकते हैं ताकि वैल्यू फॉर्मूला अप्लाई किया जा सके, 16 ए स्क्वायर गामा 5 बाई 2 3 बाई 2 1 बाई 2 रूट पाई, गामा 1 बाई 2 रूट पाई, 2 गामा m प्लस m प्लस 2 बाई 2 4 टू 6 गामा 6 बाई 2 गामा 3 फैक्टोरियल 2, 2 टू 4 टू 8 टू 16 16 कैंसिल, इट्स 3 पाई ए स्क्वायर। अब आपसे नोट कीजिएगा और सर्कुलर की जो बाकी की 3 इक्वेशन है उनका एरिया आप कंप्यूट करो ना, फिर मुझे बताना कि सेम आता है या नहीं आता है, नोट कीजिए। चलिए ये अगली प्रॉब्लम की ओर चलते हैं। अब कुछ कर्व ऐसे भी होते हैं जिन्हें हम पहले कार्टेशियन फॉर्म में ही कन्वर्ट कर लेते हैं ट्रेस करने के लिए, जिनकी शेप वेल नोन नहीं रही होती, जैसे कि ये कर्व है x इक्वल्स टू a sin स्क्वायर t, y इक्वल्स टू a sin क्यूब t cos t, तो मैं पहले इसकी इक्वेशन आपके लिए कार्टेशियन फॉर्म में निकाल लेता हूं। कैसे आप इसका स्क्वायर करें, इसकी मल्टीप्लाई यहां करें, देखिए क्या आता है, y स्क्वायर cos स्क्वायर t आएगा, उसे लिखा मैंने 1 माइनस sin स्क्वायर t, इस साइड a sin टू द पावर 6 sin स्क्वायर t का क्यूब लिखा, और इसका स्क्वायर किया ना भाई, इसकी मल्टीप्लाई बाकी cos स्क्वायर t को लिखा 1 माइनस sin स्क्वायर t, ऐसा क्यों, ताकि sin स्क्वायर t को मैं रिप्लेस कर सकूं x अपॉन a, y स्क्वायर 1 माइनस x अपॉन a, a स्क्वायर x अपॉन a की होल क्यूब, a एलसीएम y स्क्वायर टाइम a माइनस x is equals to a square a cube, cancel a बचा, a से a cancel हो जाएगा, x cube, देखिए, अब cartesian form में curve की equation आ गई, और trace करना भी बड़ा आसान है, ये curve symmetrical है x-axis के about, origin से pass होता है, origin पे cusp मिला,
x की नेगेटिव वैल्यू के लिए y इमेजिनरी है, x इक्वल पर एसिम्प्टोट मिला, x जब a से बड़ा तो y इमेजिनरी है, इसका एसिम्प्टोट है, ये शेप आ गई। जिन स्टूडेंट से कर्व ट्रेसिंग नहीं आती है वो मेरा कर्व ट्रेसिंग वाला वीडियो देखिएगा, मैं बहुत जल्दी बना के डाल रहा हूं, लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा मैं आपके लिए, ठीक है। तो अब इसका एरिया निकालना है, तो हम अपर हाफ का एरिया निकाल के 2 टाइम कर लेंगे। एरिया निकालने की ट्रिक वही है, हम इसे स्ट्रिप्स में डिवाइड कर लेते हैं, एक स्ट्रिप एज्यूम की पी क्यू, ये पॉइंट कर्व के ऊपर एक्स वाई एज्यूम किया, विड्थ डेल्टा एक्स रखी, तो एरिया ऑफ स्ट्रिप क्या आ जाता है हर बार की तरह, लेंथ इनटू विड्थ वाई डेल्टा एक्स, हेंस रिक्वायर्ड एरिया स्ट्रिप के एरिया का इंटीग्रेशन अपर हाफ का एरिया देगा, 2 से मल्टीप्लाई करिए टोटल एरिया आ जाएगा। एक्स की लिमिट स्ट्रिप को मूव कराइए मिनिमम 0 मैक्सिमम a पर, एक्स 0 टू a। अब आप चाहे तो इस कर्व के अंदर y इन टर्म्स ऑफ x निकाल के डाल दें, या वही ट्रिक यूज कर सकते हैं पैरामेट्रिक फॉर्म वाली, y dx को कन्वर्ट किया dx by dt, dt में लिमिट्स t की आ जाएंगी। अब कैसे, x की इंटीग्रेशन थी x के रिस्पेक्ट में तो लिमिट x की थी, t के रिस्पेक्ट में इंटीग्रल कन्वर्ट कर लिया तो लिमिट t की चाहिएगी, लिमिट t की कैसे आएगी, x को 0 पुट किया sin t 0, t 0 आ गया, x को a पुट किया sin t 1, तो t pi by 2 आ गया, क्योंकि sin 90 ही 1 होता है, 2 टाइम 0 टू pi by 2। y की वैल्यू कर्व की इक्वेशन से a sin क्यूब t अपॉन cos t, dx by dt 2a sin t cos t dt, cos t cancel 2 to 4 a square 0 to pi by 2 sin to the power 4t, अगेन वैली फॉर्मूला अप्लाई करने के लिए cos की पावर 0 t लिखा, 4 a square 0 to pi by 2 sin की पावर m theta cos की पावर m theta क्या होता है, gamma m plus 1 by 2 gamma m plus 1 by 2 upon 2 gamma m plus n plus 2 by 2, उस फॉर्मूले से इसकी वैल्यू क्या आई, गामा 5 by 2 that means 3 by 2 1 by 2 root pi, gamma 1 by 2 root pi 2 gamma m plus n plus 2 4 plus 0 plus 2 gamma 6 by 2 gamma 3 factorial 2 2 to 4 to 8 to 16 ऊपर 4 है 3 pi a square by 2 सिंप्लीफिकेशन के बाद। चलिए आज की क्लास में इतना ही, अब आप इसके ऊपर प्रैक्टिस कीजिए, अगर आपके कोई डाउट्स आते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट कीजिएगा, मैं उनके ऊपर सॉल्यूशन के ऊपर वीडियो बना के पोस्ट कर दूंगा। अब जल्दी मिलते हैं अगले टॉपिक में जिसमें हम कर्व का एरिया पढ़ेंगे, उन कर्व्स का एरिया जिनकी इक्वेशन में पॉलर फॉर्म में दी गई है r थीटा की फॉर्म में, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा, मिस मत कीजिएगा। टिल देन गुड बाय।